रीवा शहर के महाप्रत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चन के बाद जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने किला परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय सिंह ने कहा कि कुशासन के खिलाफ यह जन आक्रोश से अब जनता के बीच यात्रा के माध्यम से प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच रखा जाएगा। रीवा से शुरू होने वाली यात्रा सीधे और तौर पर सीधी उमरिया कटनी जबलपुर होते हुए भोजपुर मंदिर में समाप्त होगी। यात्रा के प्रभारी अजय सिंह राहुल ने कहा कि आगामी चुनाव में परिवर्तन सुनिश्चित है, जनता ने जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए फैसला लिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार बेलगाम हो चुकी है, कुशासन भ्रष्टाचार महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार और आदिवासी वर्ग के साथ जिस तरह का घिनौना कृत्य इस शासन काल में हो रहा है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। रीवा में शुरू हो रही यात्रा में कांग्रेस के कई टिकट के दावेदार भी व नेता शामिल हुए, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व विधायक शीला त्यागी, प्रभारी प्रताप भानु शर्मा सहित कई कांग्रेसी दिग्गज नेता यात्रा में शामिल हुए। आइए आपको सुनवाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान यात्रा के प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने क्या कुछ जानकारी दी है। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन पिछले दफ़े से बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। अब ये देखिए, आंकड़ों में मत जाइए, दो तिहाई भी हो सकता है, पूरे हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। उसी के डर से तो आखिरी में किसी को मंत्री बनाए यहाँ से। अभी तक कहाँ थे? आपके तो जूनियर हैं। नहीं नहीं, मेरे तो बड़े जूनियर हैं, मैंने तो उनको यूथ कांग्रेस में कोषाध्यक्ष बनाया था, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए, पहले क्या था, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी थी, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। अब हम लोगों को भी लगा कि संगठन निचले स्तर तक मजबूत होना चाहिए, और कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में ये रचना रची जो मंडल सेक्टर बीएलए सब पन्ना प्रभारी तक है, और मेरे ख्याल से इससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिल रही है। मालूम है कि आज की तारीख 19 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में 7 यात्राओं की शुरुआत हो रही है। सभी यात्राओं मिलके करीब 11,500 किलोमीटर हम सब लोग चलेंगे। ये वाली जो यात्रा रीवा से शुरू हो रही है, ये रीवा जिला सीधी के बाद उमरिया, कटनी, जबलपुर,
नरसिंहपुर रायसेन होते हुए समाप्त होगी भोजपुर मंदिर पर। जन आक्रोश यात्रा में जनता से जुड़े हुए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने 19 साल में क्या क्या कृत्य किए हैं, किस तरह से प्रदेश को बर्बाद किया है, वो सीधे जनता के बीच में हम जाकर और उनकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास और अपनी बात रखने की कोशिश हम सब की रहेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है जो समापन की ओर है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आशीर्वाद किस चीज़ के लिए? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी करने के लिए 20 साल में, सबसे ज़्यादा बहनों के साथ बलात्कार करने के लिए, आदिवासी भाइयों का हक छीनने के लिए, आदिवासी भाइयों के ऊपर घृणित कृत्य करने के लिए? आप सबको शायद मालूम ना हो कि सबसे ज़्यादा अपहरण महिलाओं का मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में। इतना भारी कर्ज लाद दिया है, क्या उसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा है? आदिवासी भाइयों के लिए जो तेंदुपत्ता की नीत दाऊ साहब ने बनाई थी, जिससे उनको सीधा लाभ मिलता था, उसमें भी परिवर्तन कर दिया। अब राशि नहीं देना, जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलती थी। केंद्र सरकार की एक योजना कैंपा योजना थी, जिससे वनों के लिए संरक्षण होना था, अब उसमें बंगले बनते हैं। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, 50% कमीशन टारगेट में है ही है, व्यापम मुद्दा समाप्त हुआ नहीं है, बेरोजगारी एक बहुत बड़े मुद्दा है, और जो प्रदेश में कर्ज लादा जा रहा है वो भी एक मुद्दा है। शिवराज सिंह जी तो अंतिम पारी में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका ही खजाना हो, लुटा दो। उनकी सुबह की नींद खुलती है और याद आता है, अरे ये वर्ग रह गया है, चलो इसको भी दे दो। बहुत सारे मुद्दे हैं। उनका ये कहना कि 50% कमीशन की बात है, ये हवा में बात की जाती, कोई इंडिविजुअल केस नहीं बताए जाते। इंडिविजुअल केस बताए जा चुके हैं, और जिनको 50% कमीशन लग रहा है वो सब जानते हैं किसको लग रहा है, कैसे लग रहा है, और कोटेदारों ने लिख के दिया है। हाई कोर्ट में है मामला, उसके बाद भी यदि कह रहे हैं कि हमें प्रमाण चाहिए तो दुर्भाग्य। यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। जो भावना पूरे प्रदेश में है, चाहे हमारे युवा साथी हों, चाहे माताएं बहनें हों, उन सब की भावनाओं को कदर करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में आए। हमने तो सुना था पहले कि योजनाओं का नाम फेर बदल करके भारतीय जनता पार्टी करती है, अब तो सीधे सीधे हाईजैक कर रही है, चोरी करने का है। हमने कहा गैस सिलेंडर 500 रुपये, तो शिवराज मामा कहते हैं 450 रुपये। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जनता समझ रही है और समय पर अपना आकलन करेगी। मैं अंत में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यात्रा तो हम लोग करेंगे, लेकिन यात्रा का मूल मंत्र आपके माध्यम से है। यदि आपने बात जनता के बीच में पहुंचाई, तो इस यात्रा की सफलता हम सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ था
लेकिन उन्होंने हमारी सरकार को खरीद फरोख्त की गिराया, इससे आक्रोश है जनता में और उसके लिए जन आक्रोश यात्रा है। कल अरविंद केजरीवाल रीवा में थे जी, उन्होंने मंच पे भाषण देते हुए कहा आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हुआ था, वो कांग्रेस का बड़ा कारण था। जिन्होंने उनको बनाया आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष, चाहे वो अन्ना हजारे जी हों, चाहे पुलिस अफसर वो बेदी जी हों, उनसे पता लगा लीजिए कि वो लोगों की राय क्या है केजरीवाल जी के बारे में, फिर हमसे बात करिए। जैसे आप कह रहे हैं कि खजाना, तो सिलेक्शन करने के पीछे विजन ये भी था क्या कि यहाँ से पिछले साल चेंजेस हो गए हैं, और क्या मैसेज रीवा विधानसभा? देखिए, आज इत्तेफाक से गणेश चतुर्थी है और मैं व्यक्तिगत शिव भक्त हूँ, तो महामृत्युंजय हम लोगों के परिवार का मंदिर है और गणेश महाराज यहाँ विराजमान हैं, तो सबसे अच्छा स्थान चुना गया कि गणेश चतुर्थी के दिन में गणेश जी की आशीर्वाद लो और आप सबका आशीर्वाद लो, फिर आगे बढ़ो। गणेश हो, श्री गणेश हो।